साहब क्या नाम है आपका? रामनारायण जी ठाकर। रामनारायण जी ठाकर, गांव कौन सा है अपना रामनारायण जी? संग्रामपुरा। संग्रामपुरा गांव में, जिला? जिला चित्तौड़। जिला चित्तौड़गढ़। अच्छा ठाकर साहब, ये जो आपने भिंडी लगाई है कौन सी लगाई है? ये नाविया है। अच्छा अच्छा, अभी आपके पीछे जो खड़ी है वो भिंडी नाविया है। और कितना समय हो गया इन भिंडियों को चलते चलते आपके हिसाब से? करीब ये 2 महीने हो गए। अच्छा, 2 महीने भिंडियों को तोड़ते हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा आपको नाविया भिंडी की जो फ्रूट क्वालिटी आ रही है जो आपने अभी दिखाई है अपन तोड़ के, कैसी लगी? एक तो ये पतली होती है। अच्छा, कलर इनका अच्छा रहता है। कलर अच्छा है। और बड़ी भी हो जाए तो भी कड़क नहीं पड़ती। अच्छा, बड़ी हो जाए। हाँ, बीज भी नहीं दिखते। अच्छा, और मार्केट में तो ज्यादा पसंद करते। अच्छा, जैसे आप मंडी लेके जाते हो इस नाविया भिंडी को, तो कैसा मतलब कैसी डिमांड रहती है वहाँ पर? लोग मांगते हैं चल के, नहीं मांगते? नाविया का इंतजार करते लोग। नाविया का इंतजार करते हैं लोग, नाविया कब आएगी। और आप जब भिंडी तोड़ती हो तो ये नरम टूटती है टाइट टूटती है? नरम टूटती है। नरम टूटती है मतलब तोड़ने में भी नरम टूटेगी। चलो बढ़िया बढ़िया, मतलब कुल मिला के आप संतुष्ट हो ना भिंडी से, जो अपनी नाविया भिंडी है इस समय पे? फर्स्ट में हमने 1 पैकेट बोया है। अच्छा, पहले 1 पैकेट बोया था तो हमारे को अच्छी लगी, बढ़िया लगी। उसके बाद में हमने 1 किलो लगाई। अच्छा, अभी फिर आपने पूरा 1 किलो, एक जो खेत आप अभी दोबारा दूसरा दिखा के लाए थे उसमें पूरा आपने वही लगाया? चलो बढ़िया बढ़िया। और तीसरी बार अभी फिर लगाया। अच्छा, फिर लगाया आपने तीसरी बार, अरे वाह, चलो बढ़िया। मतलब कुल मिला के, और जो दूसरे किसान भाई हैं उनको सब आप बोलते हो ना कि सर नाविया भिंडी लगाएं और बढ़िया पैदावार मिले? तो यही बोलता हूँ कि सभी किसान भाई नाविया लगाएं। सभी किसान भाई, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत।